दोस्तों आज मैं आपके लिए टिंडली या कुंदरू की एक बहुत ही स्पेशल करी लेके आई हूँ और ये हमारी सिंपल सी टिंडली की रेसिपी को बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बना देगी, एकदम स्पेशल करी बना देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम टिंडली ली है, उसके बीच में से काट के दो भाग कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही साथ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच अब हम इसमें अमचूर का पाउडर डालेंगे और अब हम डालेंगे इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दें और टिंडली को पूरी तरह से मसाले में कोट कर लें। देखिए एकदम परफेक्टली मिक्स हो जाएगा और बढ़िया से हमारी जो टिंडली है पूरी तरह से मसाले में कोट हो गई है। अब आप एक पैन ले लें, पैन में एक टेबलस्पून ऑयल डालें। इस टिंडली को पहले हम इसमें फ्राई करेंगे, तो मीडियम से लो आंच पे हम इसको पकने देंगे। जैसे जैसे टिंडली फ्राई होगी आप इसको पलट दें और दोनों तरफ से अच्छे से पका लें। तो ये देखिए हमारी टिंडली जो है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है, क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। अब आप इसे निकाल लें और अलग पैन में ले लें। अब हमें पीनट और तिल का एक पाउडर तैयार करना है, तो हमें सिर्फ 2 टेबलस्पून पाउडर चाहिए। मैंने रोस्टेड पीनट और रोस्टेड तिल लिया है जिसको हमने कोर्स ग्राइंड कर लिया है, इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। अब पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो 3 से 4 लविंग, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता हमने डाला है। हल्का से इसे रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज लिया है जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है, उसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, उसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। जब तक उसका कच्चापन न चला जाए तब तक हमें इसे भूनना है। मीडियम से लो आँच पर ही हम इसे भूनते रहेंगे। एक बार जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छे से भून जाए तब आप इसमें मसाले डाल दें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लें ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इसका हम ऑयल जो है निकलने का वेट करेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। एक बार ऑयल निकलने लगेगा तब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसकी प्यूरी तैयार करके उसको इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से भून जाए और ये भी ऑयल छोड़ने लगे। अब देखिए 5 मिनट के बाद बिल्कुल से मसाला हमारा एकदम परफेक्टली तैयार है, चारों तरफ से ऑयल निकल रहा है, मतलब ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें जो हमने कोर्स ग्राइंड करके हमारा जो तिल और मूंगफली का पाउडर रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा हमें 2 टेबलस्पून और पाउडर की ज़रूरत है, तो 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि अच्छे से ये मसाला भुन जाए। तो इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा मसाला भून के तैयार है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ऑयल निकल गया है। तो अब जो हमने टिंडली या जो हमारी कुंदरू फ्राई करके रखे हुए हैं वो उसमें ऐड करेंगे। अब इसे हल्के से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना है, तो दोस्तों प्लीज़ पानी थोड़ा सा वार्म वाटर ही यूज़ करें, हल्का सा गुनगुना पानी ही यूज़ करें, तभी हमारी ग्रेवी में बढ़िया टेस्ट आता है। ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। आपको अगर थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके आप इसे ढक दें।
5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे और देखिए एकदम परफेक्ट कितनी बढ़िया रिच ग्रेवी लग रही है। इसका स्वाद और खुशबू भी उतनी ही बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें लास्ट स्टेप करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। दोस्तों हमने टिंडली को ऑलरेडी नमक डाल के पकाया था तो हल्की सी ग्रेवी में ही नमक चाहिए, तो उस हिसाब से आप नमक ऐड कर दें। साथ ही साथ आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर दें और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे, तो मैं आधा नींबू इसमें डाल रही हूँ। तो बस परफेक्ट हमारी स्पेशल टिंडली या कुंदरू की सब्जी तैयार है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनी है, आप एक बार से ज़रूर बना के देखें। आप देख सकते हैं जो इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी बढ़िया रिच है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये जो रेसिपी है ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।